यूक्रेन पर हमले के 3 महीने पूरे होने के बाद रूस ने अपने सैन्य अफसरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। खबर तो यह है कि पिछले कई दिनों से चले युद्ध की वजह से रूस के सैनिकों में तनाव बढ़ता जा रहा है और कई सैनिकों ने तो युद्ध के मैदान में जाने से ही इनकार कर दिया है। सैनिकों के इसी विद्रोह के बाद रूस की सरकार ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर ली है और कई सैनिकों को बर्खास्तगी के आदेश भी दे दिए गए हैं। सैनिकों का विद्रोह, युद्ध में जाने से किया इनकार। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में एक तरफ रूस की सेना को जबरदस्त टक्कर का सामना करना पड़ रहा है, तो अब रूस के लिए उसी के सैनिकों ने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। 3 महीने से जारी इस युद्ध की वजह से रूस के सैनिक अब पीछे हटने की कोशिश में है और अपने सैनिकों के इस विद्रोह से रूस भी सख्ते में है और रूस की सरकार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए सैनिकों पर कार्रवाई का फैसला किया है। खबर है कि युद्ध में जाने से इनकार करने वाले 100 से ज्यादा सैनिकों को बर्खास्त करने का फैसला किया है। सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंचे सैनिक, सरकार के फैसले को चुनौती। युद्ध के लिए यूक्रेन जाने से इनकार करने वाले सैनिकों ने सरकार के बर्खास्तगी के आदेश को भी कोर्ट में चुनौती दे दी। इन सैनिकों ने सरकार के फैसले को गलत बताया और कोर्ट से बर्खास्तगी के फैसले को बदलने की मांग की। खबर है कि सैनिकों की अपील पर कोर्ट ने बंद कमरे में सुनवाई भी की, हालांकि सेना के सीक्रेट का हवाला देते हुए कार्रवाई के बारे में जानकारी नहीं दी गई। क्या लंबे युद्ध से ऊब रहे हैं रूसी सैनिक? मैदान छोड़ने वाले सैनिकों के पीछे किसकी साजिश? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस रेड आर्मी को पुतिन ने यूक्रेन की जमीन पर जंग के लिए उतारा था, वो रेड आर्मी जंग का मकसद पूरा होने से पहले ही पीछे हटने लगी है। यूक्रेन में युद्ध के कई मोर्चों पर तो रूसी सेना को जबरदस्त टक्कर मिल रही है, साथ ही उसके सैनिकों के बारे में जो खबरें मिल रही हैं, वो भी हैरान कर रही हैं। खबर है कि रूस के सैनिक लंबी जंग की वजह से ऊब गए हैं और इसी वजह से रूस की सेना जंग के मैदान से पीछे हट रही है, जबकि कुछ जगहों पर युद्ध में शामिल रूसी सैनिक कमांडरों का आदेश नहीं मान रहे हैं। साथ ही गुस्साए रूसी सैनिक अपने ही हथियार नष्ट कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तो रूसी सैनिकों के अपने ही कमांडरों पर हमले की खबर भी मिली है। रूस पिछले 3 महीने से यूक्रेन में संघर्ष कर रहा है, संघर्ष युद्ध जीतने के लिए, उस यूक्रेन के खिलाफ जिसे लेकर ये कहा जा रहा था कि रूस की ताकत के आगे यूक्रेन 3 दिन भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन पूरे 3 महीने बीत जाने के बाद भी न तो रूस को जंग में जीत हासिल हुई और न ही यूक्रेन हथियार डालने को तैयार हुआ। और जिस तरह से यूक्रेन रूस की सेना को करारा जवाब दे रहा है, उसे देखकर खुद पुतिन भी दंग है। नेटो का दावा है कि पुतिन की रेड आर्मी में अब विद्रोह की आशंकाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि जंग में रूसी सैनिकों का मनोबल काफी गिर चुका है। यही नहीं, रूसी सैनिकों के पाला बदलने की भी संभावना बन रही है। जंग का इतिहास खंगालें तो रूसी सेना में बगावत की कहानी नई बात नहीं है। 1905 में हुए रूस और जापान युद्ध के दौरान भी रूसी सेना ने बगावत कर दी थी। 1994 से 96 के दौरान चेचना के साथ पहले संघर्ष में भी रूसी सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए थे। जंग में रूसी सेना के इस काले इतिहास से व्लादिमीर पुतिन भी अच्छी तरह वाकिफ हैं, लिहाजा वो अब जंग के बीच ही अपनी रणनीति में लगातार बदलाव कर रहे हैं। यही नहीं, युद्ध की रणनीति फेल होने के चलते पुतिन अपने कई सलाहकारों के खिलाफ भी एक्शन ले चुके हैं। हालांकि इन सब के बावजूद अब तक पुतिन की सेना यूक्रेन में ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाई है और इसके पीछे कुछ और वजहों को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। नेटो का दावा है कि यूक्रेन युद्ध में अब तक 15,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं, जो अफगानिस्तान में 9 साल के दौरान मारे गए रूसी सैनिकों की संख्या के बराबर है। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध में अब तक 7 रूसी जनरल मारे गए हैं, जो दूसरी विश्व युद्ध के बाद से रूसी सेना में जनरलों की सबसे ज्यादा मौत है। इसके अलावा सैनिकों की ट्रेनिंग को भी वजह बताया जा रहा है, क्योंकि 2014 में कहा गया था कि रूस की 25% सेना को इन्फेंट्री चलानी नहीं आती और इसके चलते सेना में वेतन में भी असमानता है, यानी रूसी सेना में समान वेतन लागू न होने के चलते भी सैनिकों में असंतोष है। जाहिर है रूसी सेना के अंदर ये सारे फैक्टर अब जंग के मैदान में अपना असर दिखा रहे हैं, जिसके चलते फिलहाल रूसी आर्मी यूक्रेन में आक्रामक होने के बावजूद बैकफुट पर नजर आ रही है।